हे गाइस, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। मैं अमन अग्रवाल स्वागत करता हूँ आपका। गाइस, जैसा कि आप जानते हो कि हम लोग फ्री क्लासेस भी आपको अन अकेडमी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है, आपको अन अकेडमी पे सिंपल फॉलो करना है। तो अन अकेडमी में मेरी क्लास चलती है 4 से 5, जिसमें मैं करवाता हूँ CGL मेंस के पेपर सॉल्व, CGL 2018 मेंस के पेपर सॉल्व। मैं आपसे कई बार ये बात कह चुका हूँ कि ये डिपेंड नहीं करता कि पेपर आता है, हम सब लोग उस पेपर को सॉल्व कर लेते हैं, बट हमारी अप्रोच डिपेंड करती है, हम कौन सी अप्रोच से कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जो पेपर में क्वेश्चन आते हैं वो ऐसा नहीं होता कि काफ़ी टफ क्वेश्चन होते हैं, कहीं ना कहीं उसको घुमा के ऐसा दे दिया जाता है जिससे हम क्वेश्चन में उलझ जाते हैं। तो यही सारे क्वेश्चन हम डेली 4 से 5 CGL मेंस 2018 के पेपर डिस्कस करेंगे अन अकेडमी पे प्लेटफॉर्म पे। आपको क्या करना है, आपको अन अकेडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करनी है, वहां पे आप गोल पे जाएंगे, गोल SSC एग्जाम होगा, उसके बाद आप जाएंगे सर्च का ऑप्शन आएगा, सर्च पे डालेंगे नमन अग्रवाल। जैसे ही नमन अग्रवाल डालेंगे, 2-3 फैकल्टी आएंगे, सी ऑल में जाएंगे तो मेरा फोटो लगा हुआ है नमन अग्रवाल के, आराम से आ जाएगा। और यहाँ पे जाके आपको फॉलो करना है, देखिए फॉलोइंग हो गया ये, दैट मीन्स कि आपने फॉलो कर लिया है। अब जो भी मेरी फ्री क्लासेज आएंगी, वो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो डेली शाम को जुड़ना ना भूले मेरे साथ 4 से 5 CGL 2018 मेंस के पेपर के लिए। अभी मैं 2 दिन क्लास ले चुका हूँ, सैटरडे संडे में, ठीक है, और मेरी क्लासेस चली रही हैं। बाकी यहाँ पर काफ़ी क्वेश्चन हमने देख लिए हैं, CGL 2018 मेंस के 300 क्वेश्चन हैं, तो 300 का हम पूरे का क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम आपके लिए लेके आएंगे। बाकी अन अकेडमी, अगर जो कोई जानता है कि सर मुझे बिल्कुल बेसिक से जानना है, मुझे ये सारी बेसिक से चाहिए, प्री भी, मेंस का भी और अर्थमेटिक भी, एडवांस भी, तो मैं उनको बता दूं, मेरा ऑलरेडी एडवांस का बैच चल रहा है, मेरे पास प्री टू मेंस का, ठीक है, और एक मेरा बैच आ रहा है 7 मई से अर्थमेटिक का बैच आ रहा है। ये बैच उनके लिए है जिनकी बेसिक बहुत ज़्यादा वीक है, जो पढ़ना चाहते हैं उस, वो ये वाला बैच भी मैं बिल्कुल बेसिक से करवाऊंगा और वो सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा डिस्कस, जहाँ पे आपको प्रॉब्लम होती है, जो सब क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्या करना है आपको, आपको अन अकेडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करनी है। देखिए हम अन अकेडमी पे ऐसे पढ़ाते हैं, हो सकता है आप में से कई क्वेश्चन होंगे और 30% पुराने क्वेश्चन होंगे, ठीक है, तो वो सारे क्वेश्चन आपको, तो यहाँ पे हमारी PPT चलती है और यहाँ पे हम कमेंट्स लेते हैं, हम साथ साथ डाउट भी लेते रहते हैं। डाउट के लिए यहाँ पर एक अटैचमेंट का ऑप्शन होता है जहाँ पे कमेंट्स होते हैं, जैसे कि आप फेसबुक पे या फिर व्हाट्सएप पे फोटो अटैच करते हो, वैसे ही आप यहाँ पे भी कर सकते हो। बाकी हर सैटरडे या संडे कोई दिन होते हैं, जितना आपने पढ़ा दिया उसको हम क्विज के रूप में देखते हैं। देखिएगा आप, जैसे पहला क्वेश्चन है मैंने सेलेक्ट करा, फिर उसके बाद मूव एंड नेक्स्ट पे गया सेकेंड क्वेश्चन। काफ़ी सारी चीज़ें अन अकेडमी पे आपको बेनिफिट रहता है, आपको PDF डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ PDF के लिए कोई दिक्कत नहीं होती, जो भी क्लासेस हो चुकी हैं उसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं, आप किसी भी फैकल्टी से पढ़ सकते हैं, आप नोट्स बनाओ मत बनाओ PDF हर एक क्लास की मिलेगी, रेगुलर क्लासेस होती हैं स्केड्यूल के हिसाब से, आप एक परफेक्ट इंसान के अंदर गाइडेंस लेते हैं, आप कैसे भी क्लासेस देख सकते हैं फ़ोन पे या कंप्यूटर पे, वो आप पे डिपेंड करता है। आपको क्या करना है, आपको अन अकेडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करनी है, अन अकेडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करने के बाद वेरीफाई करवाना है, जैसे प्ले स्टोर से आप और कोई ऐप डाउनलोड करते हो वैसे ही अन अकेडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करनी है। आपको गोल चूज करना है SSC एग्जाम, गोल चूज करने के बाद आप जाएंगे गेट सब्सक्रिप्शन पे या वाईफाई स्टडी पे जाएंगे, तो आपसे कहेगा गेट सब्सक्रिप्शन, जैसे ही आप गेट सब्सक्रिप्शन पे जाएंगे वो कहेगा 1 महीना 2 महीना 3 महीना 6 12, तो मेरे अकॉर्डिंग आप 12 महीने का लीजिए, 12 महीने का जो होता है वो 6,000 रुपये का होता है, ठीक है, 12 महीने का 6,000 रुपये का होता है, लेकिन आपको 6,000 रुपये पे नहीं करने, आपको रेफरल कोड लगाना है 910, तो 6,000 रुपये में से 600 रुपये का डिस्काउंट यानी 5,400 रुपये का वो कोर्स पड़ेगा। अब बच्चों के अंदर सवाल ये आता है, क्या सर हम सिर्फ 910 लगा के आपको कोड दे सकते हैं? नहीं, आप नास के जितने पढ़ा रहे हैं, ठीक है, इंग्लिश जितने लोग पढ़ा रहे हैं, आपका GS जितने लोग पढ़ा रहे हैं, आपका रीजनिंग जितने लोग पढ़ा रहे हैं, चाहे मैं बात करूं कि सर GS मुझे अनादि सर से पढ़नी है, GS मुझे मुनेश सर से पढ़नी है, GS मुझे अनके सर से पढ़नी है, कृति मैम से पढ़नी है, सेम इंग्लिश मुझे किसी भी फैकल्टी से पढ़नी है, चाहे वाईफाई स्टडी का हो चाहे अन अकेडमी का हो, मैथ्स आप किसी से भी पढ़ सकते हैं, मेरे से पढ़ सकते हैं, मेरा बैच आ रहा है, आपको लगे नहीं सर हमें और फैकल्टी चाहिए तो और फैकल्टी से ही पढ़ सकते हैं, सेम रीजनिंग आप 2-3 फैकल्टी से, मतलब काफ़ी सारे फैकल्टी से पढ़ सकते हैं, हमारे पास अन अकेडमी पर 100 से ज़्यादा फैकल्टी हैं SSC की टीम में, तो एक बार आपने सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं 910 के अगर लगाकर, तो बेस्ट बेनिफिट ये रहता है आप किसी भी फैकल्टी से कोई भी सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं।
आपको जब भी यूज करना है तो रेफरल कोड यूज करना है नमन10। नमन10 एक ऐसा रेफरल कोड है जो सब में काम करता है। आप कोई सा भी सब्सक्रिप्शन लेते हैं, छोटे भाई बहन का लेते हैं, मैं आपको बता दूं कि नमन10 लगा के आप कोई सा भी सब्सक्रिप्शन लेंगे, चाहे वो बिहार पीसीएस हो, चाहे वो कोई सा भी पीसीएस हो, स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम हो, बैंक हो, रेलवे हो, डीआरडीओ, तो ये नमन10 सब में काम करता है। तो जब भी जुड़े हमारे साथ रेफरल कोड नमन10 लगा के जुड़े। फिर से मैं कह रहा हूँ, यहाँ पे जितनी क्लासेस चल रही है, जो भी बैचेस आने वाले हैं, जो भी बैचेस निकल चुके हैं, जो भी बैचेस आपको लगता है सर ये बैच मुझे देखना था बट रह गया, तो आप उसकी रिकॉर्डेड क्लास भी देख सकते हैं। ठीक है, आप रिकॉर्डेड क्लास भी देख सकते हैं और फ्रेश बैचेस भी आते रहते हैं। मेरा बैच 7 मई से आ रहा है अर्थमेटिक का, तो ये आपको लाइव हो जाएगा 1-2 दिन में। यहाँ पर आप मेरा बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं, बाकी और कई सारे बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी अगर आपको लगता है सर मुझे मेंस के पेपर करने हैं, तो मेंस के पेपर में कॉन्सेप्ट के साथ साथ जो बैच ला रहा हूँ उसमें भी स्टार्ट करूंगा। अदरवाइज 4 से 5 डेली शाम को अनअकैडमी पे मैं मिलता हूँ। यहाँ पे मैं 2018 में इसके पेपर करवा रहा हूँ, उसके बाद 2017 में इसे करवाऊंगा। ठीक है गाइस, जुड़ना ना भूलेगा नमन10 के साथ, रेफरल कोड यूज करेंगे, हर सब में काम करता है। थैंक यू सो मच, चलते हैं। कोई डाउट हो तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइएगा। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखिए, घरों में रहिए और सुरक्षित रहिए। बाय।